अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हो? खैर खरीय से उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। तो यार आज केजों की सफाई करनी है पिजन की, और दूसरे केजों की सफाई करनी है। तो इधर मैं एक छोटा बच्चा बाहर था भैंसों का, तो उसको अंदर छुड़ाया है इधर बच्चों के साथ। तो अब उधर केजों की सफाई का काम शुरू करते हैं। तो यार सबसे पहले इनके केज की सफाई करनी है, तो इनको बाहर निकालते हैं। चलो छोड़। तो वो ट्राली भी आ गई है, साथ झाड़ू भी आ गया, तो अब इसकी सफाई कराते हैं। अभी तो अब इसकी की बारी आ गई, दूसरा मुकम्मल हो गया, तो अब इन पिजन को बाहर निकालते हैं। चलो भाई चलो 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 चलो। यार इस सीजन में सिर्फ एक बच्चा आया है, ये देखो अभी तक कोई भी पिजन अंडे वगैरह भी नहीं ले कर रहा। यार इस केज की भी सफाई हो गई है, हमने सब की सफाई कर रहे हैं सर। गंद वगैरह उठा लिया हमने, ये देखो। तो सफाई माशाल्लाह जबरदस्त हो गई है। अब रैबिट का जो केज है उसकी सफाई करनी है। यार अब ये रैबिट का केज है, ये भी बहुत गंदा हुआ पड़ा है, तो अब इसकी जो है सफाई करते हैं। तो यार इतना गंद निकला है रैबिट की केज के अंदर से, तो अभी तक थोड़ी थोड़ा जो है ना गंद पड़ा हुआ है। तो यार एक हमारी जो खरगोशनी है ना, उसने बच्चे दे दिए हैं, तो 5 बच्चे हैं यार उसके। अभी अभी सफाई कर रहे थे, मुझे नहीं पहले पता चल रहा था, तो वो मुदस्सर ने देखे हैं, तो 5 बच्चे हैं इस, ये देखो ऐसे। तो सारे बाहर निकाल के मैं आपको दिखाता हूँ। तो यार इनको आप वापस केज के अंदर, इनके मतलब घोंसले के अंदर रखते हैं इनको। चलो तो ये 5 बच्चे आ गए यार माशाल्लाह, क्योंकि पूरी गर्मियां गुजर गई हैं तो बच्चे नहीं आए, तो माशाल्लाह 5 बच्चे आ गए। पिजन के केजों की मुकम्मल सफाई हो गई है, कुछ वो अंदर चले गए हैं तो कुछ ये सारे बाहर बैठे हुए हैं। और रैबिट को बाहर निकाला, केज की सफाई कर रहे हैं, तो ये देखो दाने पे अपने हाथ साफ कर रहे हैं। तो ये दाना मैं उठा लेता हूँ, अब काफ़ी टाइम से ये खा रहे हैं, तो ये ना हो ये कहीं बीमार ना हो जाए। तो यार एक घोड़ा ये आया हुआ है, इधर हमारे पास एक मेला है, तो उस मेले में इसने डांस करना है, तो ये आगे मेले पे जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह कल मेला 2 दिन इधर होगा, कल भी इंशाल्लाह मेले का आपको व्लॉग दिखाऊंगा और परसों वाला भी दिखाऊंगा। तो ये थोड़ी देर तक आगे चला जाएगा मेले पे, तो शायद हमारे पास भी हरुणाबाद से 2 घोड़े आने हैं आज इधर मेले पे, उन्होंने डांस वगैरह करना है। तो तल्ला भाई की जो है इलाके से वो आ रहे हैं इधर हमारे पास, तो वो 2-3 दिन इधर ही ठहरेंगे, तो शायद आज वो पहुंच जाएंगे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा जैसे आते हैं। यार सुबह सफाई की है केजों की, तो ये बिल्कुल कमरा ठीक था, तो अब आया हूँ तो ये एक्सपायर हुआ पड़ा, तो वो इसके साथ है, मेल था, मुझे लगता है फीमेल एक्सपायर हो गई थी, ये हमारे पास हैं दोनों फीमेल हैं। यार ये तो नुकसान हो गया बहुत ज़्यादा, ये तो एक्सपायर हो गया, ये देखो। चलो कोई बात नहीं, जैसे अल्लाह की मर्ज़ी, तो इंशाल्लाह दोबारा न्यू लेके आ जाएंगे हम। यार इन तीनों को जो है चारा वगैरह डाल दिया, ऊपर दाना भी डाल दिया, तो थोड़ी देर तक उस्ताद आएगा, तो फिर रेड रोज़ और सुल्तान की ट्रेनिंग करेंगे, और एक घोड़ा शाम तक और भी पहुँच जाएगा हमारे पास। तो यार मैं आप साहब का जो है शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, ख़ासकर तला भाई की आर्मी का, तो आपका यार बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग मेरे व्लॉग देखते हो और आप लोग तला भाई से प्यार करते हो और रेड रोज़ से, तो आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो आज एक और घोड़ा आ रहा है हमारे पास, वो भी तला भाई के जो है ना एरिया का है, तो वो भी आ जाएगा हमारे पास थोड़ी देर तक, तो शायद उसको भी इधर डांस कराएंगे, तो रेड रोज़ और सुल्तान को भी इधर डांस की ट्रेनिंग देंगे। तो इंशाल्लाह ये भी व्लॉग आपसे शेयर करूँगा। तो इनको दाना वगैरह आप डाल दिए थोड़ी देर तक, इनको जो है खरखरा वगैरह करके, तो फिर जो है करियाला फिराकी लगा के तैयार करते हैं इंशाल्लाह। ये मुर्गियों को दाना वगैरह अभी डालते हैं, क्योंकि शाम होने वाली है, तो उस्ताद साहब भी आने वाले हैं,
तो आज जो है ये जो ओंटिक डॉग है हमारा, ये एक दोस्त को हमने गिफ्ट कर दी है, तो वो थोड़ी देर तक आएगा, इसको लेके जाएगा। ये हमारे पास यार चार डॉग हो गए, तो वो कल आया था तो वो कह रहा था यार ये मुझे दे दो, तो मैंने कहा ठीक है आप ले जाएं, तो वो आने वाले हैं थोड़ी देर तक, वो लेके जाएंगे इसको। तो अब दाना वगैरह ला के मुर्गियों को डालते हैं। यार दाना ला के मैंने डाल दिया, तो खरगोशों को भी मैंने बाहर निकाल दिया था, क्योंकि यार ये जो ब्लैक और वाइट में जो खरगोश नहीं बैठी है ना ये सामने ये वाली, इसने बच्चे दिए हुए हैं, तो इसलिए मैंने बाहर छोड़ा है कि दाना वगैरह भी खा लेंगे। तो पिजन वगैरह जो है इनको दूसरे गुब्बारे बांधना है, तो एक ये फीमेल है ये बाहर रह गई थी जब के जो कि सफाई वगैरह की है, तो छोटी ये छोटू गैंग जो है हमारा छोटी डक्स, वो उधर मुंजी के अंदर ही फिर रही हैं, वो वापस नहीं आई। तो यार उस्ताद साहब आने वाले हैं, तो तकरीबन 20 मिनट तक वो पहुंच जाएंगे। तो आज तकरीबन जो है ना 3-4 उस्ताद होंगे जिन्होंने घोड़ों की फात करनी है, मतलब डांस कराना है। एक वो उधर जो मैं आपको बता रहा हूँ तला भाई के जो है इलाके से आया हुआ है वो कामल खां उसका नाम है, और एक जो उस्ताद हमारा ये पहले जो इनको ट्रेनिंग दे रहा है एक वो है, और एक उसका भाई आया हुआ है, तो ये सब मिलके जो है ट्रेनिंग देंगे आज। तो अगर कोई भी इनमें जो है खामी वगैरह या कोई काम नहीं सही हो रहा या कोई भी मामला तो होंगे ना, तो वो सारे एक दूसरे से मशवरा कर लेंगे, तो फिर वह जो है ना उनकी मतलब जो भी कमी वगैरह होगी वो निकाल लेंगे। साथ फैज आ गए हैं, तो रखना कर रहे हैं घोड़े को, नहीं नहीं बस किसी और को, तो दूसरा उस्ताद अभी थोड़ा सा लेट आएगा, तो रेड रोज को रखना कर रहा है ये। यार ये जो उस्ताद फैज है ना ये डेली जो है कंगा खरखरा वगैरह ये देखो कंगा जादो पे कर रहा है अब, तो फिर बाद में जो है कूशल पे खरखरा वगैरह हो गया है, तो आप ये कंगा करके तो फिर जो है सुल्तान को जो है खरखरा वगैरह करेगा। तो यार ये देखो रेड रोज के जो अब पूछल के जो है वो उधर कंगा वगैरह कर रहा है, तो यार जैसे जैसे कंगा होता है ना बिल्कुल इसके जो है पूछल के बाल बिल्कुल ना नरम मुलायम हो जाते हैं, तो सीधे सीधे हो जाते हैं, ज़बरदस्त हो जाते हैं। अब रेड रोज की बारी आ गई खरखरे की, तो रेड रोज को खरखरा हो रहा है, रेड रोज की ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी है, क्या बात, ठीक है ठीक है, जबरदस्त ठीक है, रेड रोज कमाल जबरदस्त जबरदस्त ठीक है, नहीं ठीक है शाबाश ठीक ठीक ठीक। तो सुल्तान की अब बारी आ चुकी है, सुल्तान को अब सामान वगैरह लगा रहे हैं, ठीक है बाबा बाबा बाबा। ठीक है तो यार सुल्तान की भी ट्रेनिंग हो चुकी है, तो रेड रोज जो है उसकी भी ट्रेनिंग मुकम्मल हो गई है, तो उस्ताद जो है सामान उतार रहा है रेड रोज का, सॉरी सुल्तान का, क्या बात है उस्ताद जी। यार इनकी ट्रेनिंग मुकम्मल हो चुकी है, को खुशक कर दी अब, तो तौलिया वगैरह भी लगा दी है सुल्तान को भी, तो दोनों की ट्रेनिंग हो चुकी है। तो रेड रोज जो है माशाल्लाह इसने आज अच्छा काम किया है, तो आहिस्ता 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 ही सब बेहतर होता जा रहा है। तो ठीक है गाइज, इंशाल्लाह कल के नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, दुआओं में याद रखना, अल्लाह हाफिज़। रेड रोज़ क्या काम चेक करो।
क्या बात है भाई, क्या बात है।